हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला। थोड़ा सा मोटा मोटा सा बनाऊंगी बिकॉज मैंने एक शादी में जब गई थी, बहुत टाइम हो गया, तब मैंने वहाँ पर चीला देखा था मूंग दाल का और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब मैंने उनसे पूछा, भैया आप ये डोसा बना रहे हो, चीला को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप इसमें स्टफिंग डोसे वाली डाल रहे हो। उन्होंने बोला कि ये चीला है, इसमें स्टफिंग डाल रहा हूँ तो जल्दी जल्दी, मतलब डोसा थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन ये जल्दी बन जाता है, और इसमें थोड़ा फ्लफी करने के लिए मैंने थोड़ा सा इनो का इस्तेमाल किया है। इनो का इस्तेमाल करने से ये रहता है, ये अच्छा फूलता है और क्रंची सा भी बन के तैयार होता है और सॉफ्ट सा भी रहता है। सो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल दिया है और थोड़ा सा इनो डाल दिया है और बस थोड़ा थोड़ा इसको फैलाते रहेंगे। नॉनस्टिक पैन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या करूँ, और मेरा जो लोहे वाला जो तवा है उस पे ये चिपक रहा था इसलिए मैंने इस वाले पैन का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने ये आलू की स्टफिंग भी बना के रखी थी तो मैंने सोचा चलो आज इसे इसमें लगाते हैं फिर खाते हैं। सो ये पहला चीला मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ सुबह नाश्ते का, और उन्होंने ये खाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। देन फिर उन्होंने बोला कि अगला वाला जो लाना तो मैं स्टफिंग मत डालना, तो मैंने उनको भी एकदम सादा सा बनाया, मतलब बिना स्टफिंग वाला, एकदम चीला जैसा, थोड़ा मतलब चीला मतलब डोसा जैसा, तो करारा सा हो गया था, बिल्कुल करारा सा, बढ़िया सा बन के तैयार हुआ था। तो दूसरा मैंने उनको वैसा दिया था, एंड एक बच्चे बच्चों के लिए एक एक बना दिया था, और उसके बाद मैंने अपने लिए भी बनाया था। मैंने अपने लिए स्टफिंग भर के बनाया था, मुझे स्टफिंग भर के ही अच्छा लगता है। और ये दही वाली चटनी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, थोड़ी सी पतली कर दी थी मैंने ताकि एकदम थोड़ा सा खाने में सही लगे। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए एक करारा सा सेकूंगी बिना स्टफिंग वाला, उसके बाद में स्टफिंग वाले और सेकूंगी। सो बहुत ही टेस्टी लगे थे, हेल्दी भी हैं, आप लोग भी ट्राई करना। मूंग की दाल का चीला है ये, और बस सिंपल मूंग दाल को ओवरनाइट मैंने सोक किया। छिकल वाली जो मूंग की दाल होती है वही मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा खाने में, दाल बनाने में भी और इसमें भी। जब इसे ओवरनाइट सोक करेंगे, छोड़ देंगे, तो सुबह जब इसे धुलेंगे तो इसके सारे छिकल हैं वो आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद आप इस तरीके से उसको पीस लीजिएगा, थोड़ी सी अदरक थोड़ी सी हरी मिर्ची डालकर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है और स्वाद भी बन जाता है। सो बस यहाँ पे मेरे सारे चीले तैयार हैं, हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने जो ये ब्रेड टोस्टर है, टोस्टर बोल रही हूँ उसको, क्या बोलते हैं, सैंडविच मेकर, उसको थोड़ा साफ करके रख दे रही हूँ क्योंकि मैंने सैंडविच भी बनाए थे यही स्टफिंग आलू वाली भर के, सैंडविच एक दो बना लिए थे तो और भी अच्छा लग रहा था। तो नाश्ता ठीक ठाक अच्छा खासा हो गया था। सो यहाँ पे मैं जब इसको साफ कर रही थी तो दक्ष ही, जग मेरे पास में ही है, वो थोड़ा ट्राईपॉड हिला रहा था, तो फिर मैंने बस थोड़ा सा ही सूट किया क्योंकि वो कह रहा था मम्मा मुझे ले लो ये ट्राईपॉड हटा दो। और मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो जब मैं चीला बना रही थी तो टॉवेल लगा था मेरे हेयर में, अभी क्या है मैंने पोंछ लिए हेयर तो पानी नहीं टपक रहा है। सो गाइस यहाँ पे ये सब हो गया है, उसके बाद अब बारी आती है, आराम से मैं बैठी हूँ, सारा काम कर रही हूँ किचन का, दूध वाले भैया दूध दे गए थे वो भी उबाल चुकी हूँ, और आगे के क्या क्या प्लान करना है, क्या करना है, बिकॉज आज संडे था तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए मैं इनसे वही सब बातें डिस्कस कर रही थी। फिर फाइनली हमारा प्लान बना बाहर जाने का, और तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, तो अभी मैं दक्ष को तैयार कर रही हूँ और ये कोई भी बात नहीं मान रहा है, इसे डायपर पहनाने में बहुत ही आनाकानी रहती है। एंड अभी मैं भी तैयार होंगी, फेस वॉश करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये है वाउ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फॉर्मिंग फेस वॉश जो कि बना हुआ है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हिमालयन एप्पल साइडर विनेगर से। इसके साथ आता है एक ये सिलिकन ब्रश जो कि हेल्प करता है आपकी स्किन की डीप क्लिंजिंग में, और इसके साथ साथ ये हेल्प करता है फेस से एक्सेस ऑयल स्वेट और डर्ट को रिमूव करने में और स्किन के पीएच बैलेंस को रिस्टोर करने में। यानी कि ये फेस वॉश स्किन को क्लीन करने के साथ साथ मॉइस्चर भी रिस्टोर करता है। और इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, स्किन का जो एक्सेस सीबम होता है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है और नेचुरल पीएच बैलेंस को रिस्टोर करता है। और इसमें है प्रो विटामिन B5 जो कि स्किन में डलनेस है या एक्ने के स्पॉट है इनको रिड्यूस करने में हेल्प करता और है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसमें जो कि आपकी इरिटेटेड स्किन को सूथ एंड काम इफेक्ट देता है।
और नेक्स्ट है इसमें हाइरोनिक एसिड रिटेन करता है हाइड्रेशन को, जिससे कि स्किन मॉइस्चराइज रहे। और फ्रेंड इसके रेगुलर यूज से आपको अपनी स्किन क्लीन स्मूथ एंड इवन टोन लगेगी और ये एक वन स्टॉप क्लींजर है। ये स्किन की इम्प्यूरिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है और नेचुरल पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। ये रेडनेस ड्राइनेस को सूथ करने में भी हेल्प करता है एंड काम करता है एक्ने प्रोन स्किन को। और फ्रेंड्स इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो 97.4% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और फ्रेंड वाउ स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है, सो गाइस हमें अपने इंडिया के ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन और नो आर्टिफिशियल कलर। और फ्रेंड इस प्रोडक्ट में दिया गया है ये एक QR कोड, जिसको आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ अपना एक कूपन कोड, जो कि स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। सो गाइस लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो चेकआउट करना ना भूलिएगा। बी वाउ नेचुरली, गेट क्लीन स्किन। सो गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए मार्केट, लेकिन दफ्तर अभी सो रहा है। अब क्या करूँ, तो मैं इसको ऐसे ही लेके जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत देर में उठेगा, फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और नवरात्रि के लिए छोटा बड़ा जो भी सामान लेना है वो लेकर आऊँगी मैं, और मुझे अपने लिए कंगन लेने हैं। देखती हूँ अगर मिल गए तो लेके आऊँगी डेली वेयर पहनने के लिए। आद्या भी तैयार होगी, आद्या इधर आ जाना, दिखाना बाबू। ये देखो रही आद्या, मुझे वो दिला दो प्ले। आदा ने अपना मास्क भी लगा लिया है, नई वाली क्लिप्स भी लगा ली है, मैंने भी लगाई है, पीछे लगी हुई है मेरी क्लिप, क्लिचर के भी क्लिचर लगा है, फिर पीछे क्लिप लगी हुई है। सो रेडी, ये भी रेडी है, चलो उठाओ बच्ची, हम ही उठाएंगे, हम ही रेडी लगाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि आद्या का बहुत मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। और हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा खाने 1 महीने बाद आए हैं करीबन करीबन, तो एक्चुअली 5 तारीख को हम लोग आए थे यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने और 6 तारीख को इनका एक्सीडेंट हो गया था। सो आज 1 महीने बाद हम लोग आए यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। सो 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, एक बर्गर का ऑर्डर किया था, मुझे बर्गर खाने का मन था, चीज़ बर्गर मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ही टेस्टी लगा था पिज़्ज़ा। इस बार का यहाँ पर थोड़ा सा कम अच्छा लगा था, बट दक्ष को अच्छा लगा, दक्ष ने बड़े अच्छे से खाया था पिज़्ज़ा। ये देखिए किस तरीके से कर रहा है वो। सो बस पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद कुछ सामान हमको लेना है माता रानी का, नवरात्रि आ रही है तो उसकी तैयारी भी करनी है। सो बस हम लोग वो सामान वगैरह लेंगे जाके, उसके बाद फिर हम लोगों को सब्जियाँ भी लेनी थी, लेकिन अचानक से फ़ोन आ गया, हमारी जो भाभी जी हैं एक वो आ गई हैं घर पर, और उनको घर नहीं पता है मेरा, लेकिन वो आई हैं तो मैंने आसपास के एरिया बताया था, वहाँ पर आ गई हैं। तो फिर हम लोग तुरंत तुरंत सब्जी वब्जी कुछ नहीं ली, सब छोड़ा और वापस ऑटो में बैठे और निकल लिए, क्योंकि घर पे ताला पड़ा हुआ है, कोई आए तो अच्छा ही लगता है। सो फिर हम लोग सोचा कि किसी और दिन ले लेंगे कुछ भी चीज़ें और जो लेनी होंगी। सो बस ये आ गई हैं भाभी, और इनका है छोटा सा बेबी, 1 महीने भर का है, मतलब ये 9 महीने का है इनका बेटा। और मैं इनसे तब मिली थी जब इनके यहाँ ये जब इनका बेबी ये हुआ था 9 महीने पहले, तब हम इनके यहाँ गए थे फंक्शन में, तब मिली थी, तब से लेकर आज मिली हूँ मैं इनसे। और ये वही भाभी हैं जो माला भाभी आती हैं, उनकी देवरानी है ये। मैं जिस घर में रहती थी ना पुराने वाले घर में, ये हमारी पड़ोसी हैं। और ये 3 बहुएँ हैं, मतलब
तीनों की तीनों मेरी सहेली हैं। ये सबसे छोटी हैं, माला भाभी बीच की हैं, और एक बड़ी वाली भाभी है, वो अभी तक कभी नहीं आई मेरी इस वाले घर में, और ये भी पहली बार आई है मेरे इस घर में। माला भाभी तो 2-3 बार आ भी चुकी हैं, तो उनको तो पता ही है मेरा घर कहाँ पर है। सो बस यहाँ पे मैंने दक्ष का ये दे दिया है सोफ़ा, सो उस पर बैठा हुआ है बाबू, और ये उनकी भांजी है जो कि साथ में आई हुई है। मैं गई हूँ चाय बनाने, मैं चाय नमकीन बिस्किट लेकर आ गई हूँ, लेकिन फिर पता चला कि ये फास्ट हैं। आज संडे था, मैंने बोला कि आज कौन सा फास्ट है भाई, तो इन्होंने बोला सूर्य देवता का फास्ट है और हमको किसी ने बताया है, इसलिए मैं रहती हूँ। फिर हम लोग यहाँ ऊपर बैठे, चाय नाश्ता किया, नाश्ते में मतलब नमकीन बिस्किट थे, सो भाभी को तो खाना नहीं था, तो फिर मैंने भाभी के लिए फ्रूट्स कट कर दिए, क्योंकि व्रत में फ्रूट्स वगैरह तो खा ही लेते हैं। और जो इनका ये व्रत है, ये शाम होते सूर्य के ढलने के बाद पानी तक नहीं पीते हैं। सो सूर्य के ढलने से पहले मैंने इनको 2-3 बार पानी भी दिया ताकि ये पी सकें, नहीं तो फिर रात भर गला बहुत सूखता है। खैर, हम लोगों की बहुत सारी बातें चल रही थी। इन्होंने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है, मेरे बेटे का नाम दक्ष है, और इनकी एक और बेटी है परी, जो कि अभी आद्या के साथ पार्क में घूमने चली गई है। दोपहर का टाइम नहीं, शाम के करीबन 3-3:30 बज रहे हैं, तो धूप नहीं है, तो इसलिए दोनों बेटियां मेरी मतलब परी और आद्या दोनों लोग पार्क में घूमने चली गई हैं, और यहाँ पे मैं इसके साथ खेल रही हूँ। दक्ष दक्ष भी है, पास में ही है, कभी पापा के पास चला जाता है, कभी मेरे पास, और यहाँ पे हम लोग की बहुत सारी बातें चल रही हैं। उसके बाद फिर हम लोग छत पे गए थोड़ी देर के लिए। गाइस काफ़ी देर तक रुकी, 6 बज गए थे शाम के, तो फिर अब ये जा रही हैं वापस, अब देखते हैं फिर कब आएंगी। बोल रही है आप आना, तो मैंने बोला मैं कैसे आ जाऊँ, अभी तो ये बाइक भी नहीं चला पाते हैं। देखते हैं, सोचते हैं आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। जब मैं घर जाऊँगी इनके, तो मैं आप लोगों को सभी से मिलवाने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। ये है उनकी बेटी परी, जिसने पिंक कलर की टॉप पहना हुआ है, रेड कलर का हेलमेट लगाया है। सो गाइज अब ये जा रही है अपने घर वापस। अच्छा लगा मिलकर, कोई आता है घर में तो थोड़ा सा चहल पहल या रौनक सी हो जाती है, बस वही है। सो बहुत दिन बाद बाबू से भी मिली तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो गाइज भाभी चली गई हैं, और अभी बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं, 6 बजे वो चली गई थी, अभी 6:30 बज चुके हैं, और मैंने अपनी बर्तन वगैरह क्लीन किए हैं, और दक्ष हो गया है तो मुझे भी अब लग रहा है कि सो गया है, तो मैं काम कर लूँ। मूंग की दाल चढ़ा दी है क्योंकि सिंपल सा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि पिज्ज़ा हम लोग बाहर खा के आए हुए थे, बर्गर पिज्ज़ा, और मतलब जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो हम लोग सब्जियाँ भी लेनी थी, लेकिन फिर फ़ोन आ गया भाभी का कि वो आ चुकी हैं यहाँ पर, तो फिर हम लोग ऑटो करके वापस लौटना पड़ा। हम लोगों को ये कपड़े पड़े हुए तय लगाने हैं, मैंने बाहर से उतारे हैं, बहुत गर्मी फिर से होने लगी है। एक दिन मौसम सही रहता है, एक दिन ख़राब हो जाता है, दूसरे दिन मतलब ख़राब ही हो जाता है, वही है। मैं सिर्फ माता रानी का कुछ सामान है वो लेकर आ पाई हूँ, और कुछ भी नहीं लेकर आ पाई हूँ। और अभी बच्चा सो रहा है, तो मैं फटाफट से अपने और काम है वो निपटा लेती हूँ, खाने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। ये क्या लग गया मेरे, लाल लाल ये क्या है। तो मैं मिलूँगी आपसे कल नए वीडियो के साथ में, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आप सभी से मिलूँगी कल, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर, और लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, अपना ख्याल जरूर रखें, थैंक यू।